एक चीज और सर, हमारे वीडियो देख के कोई आता है, और एक चीज और, ईयर एंड डिस्काउंट भी चल रहा होगा कुछ हमारे वीडियो में थ्रू कोई आता है। देखिए ईयर एंड का तो वैसे अभी कंपनी ने कोई कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो की तरफ से जो भी आता है देखे उन लोगों के ऊपर हमने 2100 रुपए का कैश डिस्काउंट तीनों पे बिल्कुल, जो भी आपका नाम लेके कि आएगा तो हम उसका 2100 रुपए का कैश डिस्काउंट और एक हेलमेट। वेलकम बैक टू अनंत व्लॉग्स। तो गाइस आज आप आए हुए भिवानी सुजुकी में, तो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है ये। एक तरह से सुजुकी की तीनों स्कूटियां एक्सेस, एविनिस, बर्गमैन, तीनों स्कूटियों का कंपैरिजन लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी बनी है। स्कूटी तीनों ही बेस्ट है। इस वीडियो से आपको ये पता लगेगा आपके लिए, मतलब आपको बर्गमैन चाहिए, एक्सेस चाहिए, इस वीडियो से आप क्लियर हो जाओगे। तो मेरे साथ विजेंद्र जी हैं सर, वेलकम सर। जी सर, कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपने चैनल की जो सबसे ज्यादा मोस्ट व्यूड वीडियो है वो इधर की है। वो हमने पहले दिवाली पे जब बनाई थी, शायद वही होगी कंपैरिजन वाली। एक्सेस के सारे मॉडल का जो कंपैरिजन करा था वो वीडियो है, जिसपे 33,000 व्यूज गए हुए हैं। तो अपने चैनल की सबसे टॉप वीडियो वही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये वीडियो भी उससे भी प्लस जानी चाहिए। जाएगी सर, आप जितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हाँ जी, ये लगता है कि जाएगी बिल्कुल। आप एक एक मतलब YouTube पे जो बताते हैं आप, बिल्कुल आपको ज्ञान है कि कितना क्या है इसके अंदर, बूट स्पेस कितना है, ये सब आपको ही पता है। तो वीडियो सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सर, इंजन बताओ तीनों में। तीनों में देखो इंजन की जो कैपेसिटी वो सेम है, इंजन के तीनों में 125 सीसी पावर का इंजन दिया है कंपनी ने। तीनों में आगे का जो टायर है 12 इंची का वो बिल्कुल सेम है, पीछे का 10 mm का। थोड़ा थोड़ा जो चेंजिंग जो दी है कंपनी ने, जैसे ये वाला मॉडल है एक्सेस है हमारा शुरुआती मॉडल, एक्सेस का ये टॉप मॉडल है, और कंपनी ने जो डबल टोन कलर दिया है वो केवल पहले टॉप मॉडल के अंदर ही था। ये कलर पहले टॉप में था लेकिन आज हमने जो अभी नया जो हमारे पास स्टॉक आया है वो इससे पहले वाला जो मॉडल है उसमें भी कंपनी ने ये कलर दिया है। अभी कस्टमर की डिमांड थी काफी कि ये कलर है ना, इस दूसरे इसमें भी होना चाहिए, तो कंपनी ने ये कस्टमर की एक डिमांड को और पूरा कर दिया। मतलब कहने में है ये वाला कलर अपने सेकंड टॉप में भी आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, कंपनियां सारी चीज नोटिस करती है कस्टमर को क्या चाहिए, जो टॉप में था ये अपने सेकंड टॉप में भी आ गया है कलर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कस्टमर की डिमांड। इसके बाद जो मॉडल आता है ये वाला है हमारा जो एविनस के नाम से, मतलब ये दोनों मॉडल लगभग तकरीबन सेम है, एविनस और जो वर्गमैन, लेकिन ये थोड़ा सा वर्गमैन का है, वो हैवी लुक है, कंफर्टेबल, लंबा जो यूज करते हैं टू व्हीलर को, स्कूटी को जो 50-50, 100-100 किलोमीटर तक यूज करते हैं उनके लिए फिर वर्गमैन है। आगे इसमें जो स्पेस हम दिखाएंगे कंफर्टेबल था, पैर रखने के लिए भी स्पेस ज्यादा है। जो एविनस है ये तो स्पोर्टी लुक है आपका, एलईडी लाइट दोनों की सेम, और स्टेयरिंग का जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है आपका, एक चीज मैं बता देता हूँ, तीनों में 10 nm का टोर्क आ जाता है अपने जी। इंजन में तो कोई डिफरेंस है नहीं, लुक की बात कर देते हैं। एक्सेस है अपनी क्लासिक लुक, ये है अपनी स्पोर्टी लुक, और वो स्पोर्टी विद मैसिव, उसका रोड प्रेजेंस सबसे ज्यादा है तीनों में जी। ठीक है, और फ्रंट की बात करें तो तीनों में एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, लेकिन बर्गमैन में क्या है, एलईडी लाइट्स अपनी प्लेसमेंट नीचे है, इसपे हैंडल में नहीं है लाइट्स जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। और एक चीज और, इसके अंदर अपने विंडशील्ड आ जाती है बर्गमैन में, बिल्कुल बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल इस। हाँ जी, ये अगर आप लगवाना चाहते हो, हाँ जी, ये जो शील्ड इसमें तो इनबिल्ट आती है, ठीक है, लेकिन एक्सेस में भी लग जाती है हमारी। अच्छा, ये विंडस्क्रीन अपनी एक्सेस में एसेसरी पार्ट में लग जाती है, एसेसरीज पार्ट में लग जाती है। ठीक है जी, मैं आपको एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ, ये तीनों टॉप मॉडल हैं इसके जी। बिल्कुल तीनों का टॉप है, ये एक्सेस का टॉप है ब्लूटूथ कनेक्ट, ये एविनस का टॉप है बीटी वाला, ठीक है, और ये वर्गमैन का टॉप है, ठीक है आपका। ओके, एक चीज ये बता देता हूँ, जिस प्राइस ये डुअल टोन में है, ये अपने पियानो ब्लैक फिनिश और मैट फिनिश के साथ है, बहुत प्यारी लग रही है अपनी, मैट और पियानो का मैच अच्छा है, और इसमें मैट में तो कलर है, और जो ये है ये पियानो ब्लैक में है। थोड़ी थोड़ी पार्ट्स होते हैं भाई जिससे लुक और एनहेंस होती है स्कूटी की।
जो सुजुकी की वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप देखते हो तो सुजुकी का प्रोडक्ट बेस्ट है। सुजुकी वैसे भी हैवी सेगमेंट पे ही काम करता है, वर्गमैन है जैसे हमारा ये वैसे 650 cc पावर की जो है स्कूटी, हाँ जी, वहीं से ये नाम 125 cc में आया है अभी कंपनी ने जो दिया ना इसका। तो हम दिखाते हैं अगर आप बूट स्पेस दिखा देते हैं इनका, अगर कहो तो आप बूट स्पेस जो दिया है वो आप देखोगे तो ये इसका स्पेस है। इसमें अलग अलग रखने का ये है कि आप ये यहाँ हेलमेट तक आपका आ जाता है इसके अंदर, तीनों का ही मतलब ये है कि वन हेलमेट हेलमेट और अदर वो आपका आप रखना चाहते हो, तीनों में ही मोबाइल चार्जिंग सॉकेट है। इसमें डबल पॉकेट और उसमें सिंगल पॉकेट, ठीक है। कंपैरिजन अगर इसमें अपना 21 लीटर का ग्लव बॉक्स भी आ जाता है इसमें कंफर्ट पैर रखने के लिए, जैसे लॉन्ग रूट पे थोड़ा सा जब हम यूं नीचे कर नहीं करते कि चलते चलते थकान हो जाती है, तो इसमें यहाँ स्पेस दिया है पैर रखने के लिए, इधर आप पैर रख सकते हो। हाँ बिल्कुल, मतलब ये कंफर्ट मोड आपको अगर लॉन्ग ड्राइव ज्यादा है आपकी तो आप वर्गमैन की तरफ जाओ। जी बिल्कुल ठीक है जी। अगर आप यूं है कि लोकल का और थोड़ा सा कम वो है तो आप दोनों मॉडलों में से कोई भी चूज कर और बजट का इशू ना हो तो जिस तरह इन तीनों में यही सबसे एक्सपेंसिव है, बजट की दिक्कत ना हो तो ये स्कूटी आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे नहीं कि ये शहर में चलेगी नहीं, बहुत से ये कंफर्ट मोड की तरफ नेक्स्ट लेवल है, लेकिन बजट अगर वही है ना तीनों का बजट थोड़ा सा मेन बात बजट की है। अभी उसका भी टॉप मॉडल दिखाया हमने वो, लेकिन बेस मॉडल आता है 80% से 70% तक सेल, हाँ जी, हाँ जी। वहीं बेस मॉडल की जाती है लोगों की बजट की वजह से। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो सर, आप फ्यूल टैंक कितने लीटर का है उसमें? फ्यूल टैंक 5 लीटर का है सर, उसमें 5 का, इसमें 5.2 का, इसमें 5.5 लीटर का, 5.5 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक आ जाता है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ा फ्यूल टैंक इसका है। और एक चीज और, उन दोनों की 21.8 लीटर की बूट स्पेस है, इसकी 21.5 है। ये क्यों है? क्योंकि इसके अंदर फ्यूल टैंक बड़ा आ गया, टैंक बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए कंपनी ने बूट स्पेस कम करके तीनों के अंदर साइड स्टैंड सेंसर इनबिल्ट है, जैसे ये वाला है ना, तीनों के अंदर समान है ये टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, एक डिफरेंस और बता देता हूँ आपको, उन दोनों स्कूटी में जो है फ्यूल टैंक है बाहर आ जाता है, इसके अंदर अपना अंदर है, फ्यूल टैंक अंदर की तरफ दिया है। ठीक है भाई, ये मतलब ना उस हिसाब से बनी है आपके लंबे रूट के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह आप लंबा रूट जा रहे हो तो आपकी फ्यूल की टंकी बड़ी होगी, आपको बार बार भरवाने की दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो आपको मेन जो पॉइंट है वो बता दिए, दोनों में डुअल आगे डिस्क आ जाती है, पीछे ड्रम आ जाते हैं तीनों में। ठीक है, एलईडी लाइट्स तीनों में, एलईडी लाइट है, ट्यूबलेस टायर है तीनों में, डिस्क ब्रेक मॉडल, क्योंकि हमने टॉप मॉडल ही दिखाया तीनों का, तो डिस्क ब्रेक अलग, इन दोनों में तो डिस्क ब्रेक ऑलरेडी आते ही हैं, टॉप में भी और सेकंड वेरिएंट में भी। एक्सेस एक हमारा ऐसा वो है कि जिसमें बेस मॉडल जो है उसमें डिस्क नहीं आता, अदरवाइज सेकंड टॉप और टॉप में दोनों में डिस्क रहता है। ठीक है जी, मेन पॉइंट पता क्या है, अगर आपको थोड़ा क्लासिक लुक चाहिए तो आप एक्सेस की तरफ स्विच हो, स्पोर्टर लुक चाहिए तो इन दोनों में, इन दोनों की कंफ्यूजन में कैसे दूर होगी, अगर आपको लंबी रूट पे लेनी है तो बर्गमैन लो, और नहीं फिर एविनिस है ही है। हैवी जो लुक है पूरा स्कूटी, मतलब आज अपना जो शहर है भिवानी थोड़ा सा लुक जो है ना, क्योंकि जो सिंपल सेगमेंट चला के तीन तीन चार चार बार चेंज कर चुके हैं, हाँ जी हाँ जी, अभी जो चेंजिंग जो करते हैं वो ज्यादातर आपने देखा होगा रोड के ऊपर, पहले वर्गमैन काफी कम थी, लेकिन आप देखा है कि रोड के ऊपर आप देखते हो तो वर्गमैन काफी दौड़ती है, अब बहुत बूस्ट हो गया सेल वर्गमैन की। ठीक है जी भाई, लुक भी बहुत नेक्स्ट लेवल आ रहा है, ये हैंडल देखो, ये लाइट अपनी उधर ही है और ये हैंडल ऐसे बहुत, मतलब एक तरह से ये बाइक है। बिल्कुल स्पोर्ट, उसमें बाइक वाला ही फील आती है आपको जब आप इसकी राइड करते हो, ये स्कूटी कम बाइक ज्यादा है ऐसे कह सकते हो आप। जी बिल्कुल स्पेस भी इसी में ज्यादा है, ज्यादा है। कंपनी ने जो दिया है मोबाइल चार्जिंग के लिए सॉकेट, हालांकि एक्सेस के अंदर भी है लेकिन ओपन पॉकेट है वो, हाँ जी हाँ जी, इसके अंदर आपका ये बिल्कुल फिटेड है। ठीक है, उसके अंदर अपने एक्सेस में ओपन चार्जर है और इसमें आपको स्पेस के साथ है फोन रख सकते हो, बिल्कुल आप अंदर रख सकते हो अपना, सेफ्टी भी है साथ साथ, मतलब मॉडल जैसा तैयार किया है कंपनी ने, शायद ही मार्केट में इससे स्पोर्ट लुक में कोई स्कूटर इसके कंपैरिजन में नहीं है। आप तो हर जगह जाते हो वैसे देखोगे तो इस सपोस्ट लुक में, हालांकि हैं अदर कंपनियों के भी लेकिन इस लेवल पे नहीं है। जो फीचर्स, जो मतलब सबसे एक चीज आता हूँ, स्कूटी में सबसे बड़ी सीट सुजुकी की मिलेगी आपको, और इन तीनों में बात करूँ तो इसमें एक्सेस और इसकी
इन दोनों की सीट ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का एक्सेस का भी और इसका भी सीट का जो वर्कमैन का वो लंबाई ज्यादा है भाई। अगर तीन बैठोगे ना, चार ही बैठोगे तो भी नहीं लगेगा। हम कहते नहीं कि तीन बैठो, वैसे मैं आपको नॉर्मल कह रहा हूं। बिल्कुल, अगर आप वो नहीं तो ये सिफारिश नहीं करते हम। हाँ, वैसे दो ही बैठो, लेकिन मैं आपको सीट का बता रहा हूँ भाई, छोटी सीट्स नहीं है, जैसे बाइक की सीट्स होती है ना वैसे सीट्स है इनकी स्कूटियों में। सर एक चीज, माइलेज और आइडिया। माइलेज जो कंपनी क्लेम है वो 64 है। अच्छा जी। ना हमारा जो कस्टमर का जो फीडबैक रहता है वो अराउंड 50-55 के बीच का है लोकल यूज का। मेन सारी बात यही है कि आप कैसे चला रहे हो। हाँ बिल्कुल, चलाने के ऊपर निर्भर। आप लॉन्ग रूट पे अगर इकोनॉमी मोड पे चलाते हो तो ये आपको 60+ की माइलेज देती है। ठीक है। वही लोकल के अंदर बार बार ब्रेक लगाना तो थोड़ा सा 2-4 पॉइंट माइलेज कम हो जाती है नॉर्मली। सर एक बार बस अप्रोक्स आइडिया दे दो एक्स शोरूम का। एक्स शोरूम जो आपका एक्सेस का वो आपका है 88,000 रुपए। ठीक है। ये टॉप मॉडल के रेट चल रहे हैं। ये है 90,000 रुपए। ठीक है। और ये 94,000 रुपए। ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। नहीं नहीं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपने डिफरेंस इसलिए नहीं ना कि एक्सेस का भी आपने टॉप मॉडल पकड़ा है, अदरवाइज बेस मॉडल आप देखोगे तो लगभग 78 के आसपास हमारा। बिल्कुल, ये टॉप मॉडल है। कभी आप ये सोचो 88,000 की एक्सेस आती है, सस्ती भी आती है, इससे भी कम है। ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से वीडियो से समझ आ गया। बस सर एक चीज ये बताओ, लोन वगैरह सब हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो जाएगा सर। लोन के लिए हमारे पास काफी सारे फाइनेंसर हैं, IDFC से है और काफी हैं। एक चीज और सर, हमारी वीडियो देख के कोई आता है, और एक चीज और, ईयर एंड डिस्काउंट भी चल रहा होगा कुछ हमारे वीडियो के थ्रू कोई आता है? देखिए ईयर एंड का तो वैसे अभी कंपनी ने कोई कुछ दिया नहीं है, लेकिन आपकी वीडियो की तरफ से जो भी आता है देख के, ऑन रोड के ऊपर हम 2100 रुपए का कैश डिस्काउंट तीनों पे। बिल्कुल ठीक है। जो भी आपका नाम लेके कि जो भी नाम से आएगा तो हम उसका 2100 रुपए का कैश डिस्काउंट और एक हेलमेट। अच्छा, बतौर ऊपर ये देख लो कितनी बड़ी बात है, कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दे रखा ईयर एंड का। अपने चैनल के थ्रू आपको 2100 रुपए और हेलमेट फ्री मिलेगा, बहुत बड़ी बात है ये भी। तो सर थैंक यू बहुत बहुत। तो भाई प्लीज ये वीडियो वायरल होनी चाहिए, पिछली वीडियो भी आपकी नेक्स्ट लेवल, आपने अच्छा प्यार दिया था। ये भी होगी आपकी, क्योंकि आप वीडियो ही इतनी अच्छी बनाते हैं कि आपका कोई कंपैरिजन नहीं है बनाने का। आवाज जो है आपकी वीडियो बनाने में और आपका जो ज्ञान है, हमें जिस लेवल का हमें वो पता है इन सब स्कूटियों का, भाई इनके अंदर क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं, आप कहीं ना कहीं मान के चलो कि आपको भी उन सब चीजों का ज्ञान है, तो इसीलिए आपकी वीडियो चलती है। लेकिन सर फिर भी आप सीनियर हो, मैं तो फिर भी आपसे वो बात सही है, लेकिन एक ज्ञान तो सीनियर और जूनियर दोनों के लिए वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस वीडियो बताओ आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट सब कुछ कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करना जरूरी है, और शेयर करो। जिस तरह वीडियो शेयर करोगे, व्हाट्सएप में जाओ, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ और ग्रुप्स में डाल दो, ताकि वीडियो और आगे नेक्स्ट मूव होती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फटाफट आपसे जरूर जल्दी से मिलते हैं।